तो ऐसा ही चल रहा है यार इधर कसम से। क्या बोलूँ मैं, मेरा ना मूड ही खराब हो गया अभी। तो ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था अभी लड्डू, नहीं मेरी जीवन का सबसे बुरा संडे। तो गाइस इनको बब्बा बब्बा कर रहा है वो, और ये इतना खुश हो रहे हैं यहाँ पे पापा पापा बाबा। पापा बोलता है वो। सो गाइस अभी मैं इनके लिए जूस बना देती हूँ जो कि ये लेके आए हैं 10 लीटर घर से। गाइस लड्डू खेल रहा है, तो लड्डू को लड्डू ऐसे करते रहता है पा 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 पा। देख सकते हो आजकल इनका गजनी हेयर स्टाइल। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो कि ये कैसे लग रहे हैं करके। छी यार मत कर दे। नहीं हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह के 10:30 बज गए हैं, यहाँ आके ना ब्लॉग बना पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। जब से मम्मी गई है तो दिन भर भागते रहती हूँ भागते रहती हूँ इधर से उधर। तो अभी लड्डू अभी सोया है, 10:30 बज गया, तो नहाने में भी इतना डर लगे रहता है ना, मतलब कि अभी वो सोया फिर मैंने नहाया, यानी कि 10:30 बज गए। अभी मैं पूजा करूँगी, मतलब कि और काम मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा कपड़े और क्या कहते हैं नाश्ता। अभी लड्डू के पापा, तो आज संडे है, मैंने आज संडे इसीलिए ब्लॉग बनाने का सोचा। लड्डू के पापा कितने बजे चले गए थे, 8:30 बजे, 8:30 नहीं आज 7 बजे वो चले गए थे, मतलब और दिन से जल्दी चले गए थे। तो यहाँ ऐसा ही चलता है यार, जिस दिन सोच लोगे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं सोचती हूँ कब आएंगे बेबी को देखेंगे। तो मेरा काम नहीं तो एक बार किचन में जाओ, एक बार उसको देखो, एक बार किचन में जाओ, क्योंकि ना आजकल वो पलटना भी सीख रहा है तो डर भी लगता है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, जब मम्मी यहाँ आती तो पूजा वगैरह भी मम्मी कर लेती थी, लेकिन आजकल मैं ही कर रही हूँ। हस्बैंड को भी बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है, सो जब तक पूजा नहीं होती है तब तक चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए तब तक मैं खाना नहीं खा रही हूँ, क्योंकि पूजा करनी ज़रूरी है। और सुबह उठ के ऐसा होता है ना, काम में भागते रहो, अगर मैं सुबह उठ के पूजा वगैरह कर लूँ ना बिना झाड़ू पोछा लगाए, पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जब पूरी घर की सफाई हो जाती है उसके बाद ही पूजा करने का, क्योंकि सुबह से ही मतलब कि लड्डू उड़ जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ही पलटेगा, उसका पेट वेट दबता है, फिर वो रोता है, फिर मतलब उसके सामने बैठे रहना पड़ता है। तो बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है यार। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो यार मैं इन चींटियों को साफ करते रह गई हूँ, ये प्रसाद में महाकालेश्वर भगवान जी से लेके आई थी, तो चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई हैं। पहले था कि जो चौकोज है ना, चौकोज में यहाँ रख के चले गई थी, मतलब खुला था पैकेट और फिर हम लोगों ने खाया भी नहीं तो ऐसे रख के चले गई थी। तो कल पूरी अलमारी में मतलब चींटियाँ ही चींटियाँ चले गई थी, तो उनको निकालते निकालते आफत आई, तो वो चींटियाँ तो चले गई। और आज यहाँ प्रसाद के ऊपर इतनी सारी चींटियाँ हैं, इतनी सारी चींटियाँ हैं, तो मतलब कहाँ से मैं शुरू करूँ हर जगह। तो सुबह मेरे को 1-2 घंटे तो ये चींटियाँ ही साफ करने में लग गई हैं, और ये चींटी वाली दवाई भी डाली थी तब भी ये चींटियाँ कम नहीं हो रही हैं। प्रसाद को कहाँ रखूँ मैं समझ नहीं आ रहा, डिब्बे के अंदर पैक हैं उसके अंदर भी ये चींटियाँ घुस गई हैं। हुई भी नहीं थी और हमारा बेटा उठ के बैठ गया यहाँ पे, मतलब कि इसकी नींद इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई, पहले 1-2 घंटे सोता था और अब 1 घंटे भी नहीं सो रहा। हाँ बेटा इतनी जल्दी उठ गए, इतनी जल्दी उठ गए आप, मम्मा को खाना भी खाना है नाश्ता भी बनाना है। मुझे लग रहा है जो ये चींटियाँ हैं ना, जो गुड़हल के फूल में थी 2-4 चींटियाँ, उसी से इतनी सारी चींटियाँ हो गई हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, फूल तो तोड़ के लेके आती हूँ पूजा करने के लिए। वहाँ इतने अच्छे फूल लगे हैं गुड़हल के पेड़ में, तो मैं लेके आती हूँ अभी। समझ आ रहा है कि चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं, गुड़हल के फूलों से ही चींटियाँ आ रही हैं, क्योंकि अभी मैंने एक फूल तोड़ा, मतलब मैं 4-5 फूल तोड़ के लाती हूँ रोज, तो मेरे हाथ में बिल्कुल ही इतनी सारी चींटियाँ आ गई। तो इसी इन्हीं चींटियों की वजह से पूरे घर के अंदर चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई हैं। अभी भी मंदिर में बहुत सारी चींटियाँ हैं, लेकिन अब पूजा तो करनी होती है तो फूल मैंने चढ़ाए हैं, तो चींटियाँ साफ करके अभी चढ़ा दी है। अभी मेरी पूजा हो गई है, अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि अभी लड्डू खेल रहा है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये चींटियाँ देखो ये ऐसे घुस रही हैं। अभी मैंने वो प्रसाद का डिब्बा बाहर रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने प्रसाद रखा है, ये महाकालेश्वर भगवान जी का है, बट वो ये चींटी ये चींटियाँ इसमें बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो फाइनली पूजा वगैरह तो हो गई है मेरी, लेकिन अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, क्योंकि वो गए थे 7 बजे गए थे, तो नाश्ता वगैरह कुछ भी करके नहीं गए हैं कल तक। तो वो आ जाते थे 9 बजे तक आ जाते थे नाश्ता करके फिर जाते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए। तो मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, अगर वो आएंगे तो मैं थोड़ा लेट नाश्ता बनाऊँगी, रुक जाऊँगी थोड़ी देर, और अगर नहीं आएंगे तो मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ।
सो गाइज, फोन तो नहीं उठा रहे हैं वो, लगता है लेट ही आएंगे, तो उनके लिए लंच ही बनाऊंगी। और मैं अपने लिए कुछ भी ब्रेड ब्रेड ऐसे ही सेक के खा लेती हूँ, और तो क्या ही बनाऊँ इतनी जल्दीबाजी में। तो मैंने सोचा था कि आएंगे तो मैंने आटा गूंथ के रखा था, और भी आएंगे शायद। तो मैं अपना काम करती हूँ यार, काम के अभी देखो 11 बजी है, 11 बजे मेरे को अभी लड्डू को लड्डू की मालिश करनी है, उसको नहलाना है, वैसे वैसे 12 बज जाएगा। फिर लड्डू के दिन के लंच की तैयारी करनी है, अपने लंच की तैयारी करनी है, ऐसे उसको खिलाते खिलाते 2-3 बज जाता है, 1 घंटा मुश्किल से रेस्ट मिल रहा है। फिर 5 बजे उठो, फिर लड्डू के लिए कुछ बनाओ, इनके लिए चाय वगैरह बनाओ, तो मतलब मेरे को टाइम ही नहीं हो रहा है बिल्कुल ही भी। तो ये पेड़े लड्डू के पापा ने फिर से मथुरा से मंगाए हैं, यानी कि 2 केजी मंगा रखे हैं। लेकिन अब पेड़े पता नहीं ऐसे क्यों हो जाते हैं वहाँ से आके, मतलब कि अब ट्रेन से आते हैं बहुत दूर से तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं यार वे पेड़े, कसम से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनका कोई तोड़ ही नहीं है। तो गाइस, अभी लड्डू की माली चोली है, मालिच 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 मालिच, अब तो मेरा हत्थू पकड़ देता है। हत्थू मत करो मेरी मालिच, मत करो मेरी मालिश। तो फाइनली गाइज, लड्डू की मालिश हो गई, और एक कबूतर भी आ गए, कबूतर के कपड़ों के ऊपर। तो पानी भी गर्म हो ही गया है, अब मेरे को बचा है इसको नहलाने का काम। और 12 भी बज गए, लेकिन लड्डू अभी, लड्डू कह रही हूँ, लड्डू के पापा अभी तक नहीं आए हैं। तो यार ऐसे निकल रहा है दिन, बाल बनाने का टाइम नहीं, गीले बाल थे थोड़े सूखे, मैंने ऐसे जूड़ा कर लिया क्योंकि तो बाल बनाने का टाइम भी नहीं हो रहा है बिल्कुल ही अभी। अब तो 12 ही बज गया, दिन के खाने का टाइम हो गया है। तो गाइस, अभी लड्डू को नहला दिया है और वो अभी खेल रहा है। हाँ बेटा, खेली खेली करो, ठीक है, मम्मा खाना बनाएगी। 12 भी हो ही गया है और मैं अभी बनाती हूँ लंच, क्योंकि लड्डू के पापा ने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, शायद वहाँ क्या होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि आज थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं। तो उनके पहुँचने से पहले मैं जल्दी से लंच तैयार कर लेती हूँ, सोचती हूँ आज गहद और अरहर की दाल बनाऊँ। अरहर की दाल मैं इसलिए मिक्स कर देती हूँ, उसमें थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, नहीं तो जो गहद की दाल है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो जल्दी से मैं प्याज व्याज काट कट कर लेती हूँ। लड्डू खेल रहा है, तो लड्डू को, लड्डू ऐसे करते रहता है, पा 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 पा, पता नहीं क्या बोलता है। तो लड्डू के पापा खुश हो रहे हैं कि लड्डू ने पापा बोलना सीख लिया, तो बोल रहे हैं कि उसने पहला वर्ड पापा ही बोला है करके। तो वो ऐसे खेलते रहता है, कुछ भी बोल सकता है, अभी उसने कुछ पापा वापा नहीं बोला है, लड्डू के पापा खाली खाली खुश हो रहे हैं, बोलेगा तो मम्मा ही। मैं दिन भर उसको सिखाते रहती हूँ मम्मा बोल मम्मा बोल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मम्मा ही बोले, लेकिन लड्डू के पापा बोल रहे हैं अरे अब तो पापा बोल दिया, अब तो पापा बोल दिया। तो यहाँ मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया, मतलब गर्म हो जाएगा तो जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, गर्म पानी होगा तो जल्दी जल्दी सीटी आएगी, इसीलिए मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। तो गाइस, अभी ना लड्डू खेलते खेलते सो गया है, उसका ये सही है कि नहाने के बाद मालिश वगैरह कर लो, नहला लो, उसके बाद वो फीड करता है, थोड़ी देर खेलता है हल्ला गुल्ला, मतलब जो भी बोलने की प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो सो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ दाल, दाल बना रही हूँ, लड्डू के लिए क्या बनाऊँ आपको समझ नहीं आ रहा, तो सोच रही हूँ कि लौकी बना देती हूँ उसके लिए, फिर चावल बनाती हूँ, फिर मैं दाल ही बना रही हूँ। लेकिन अभी वो मतलब ज़्यादा देर तो सोएगा नहीं, आधा घंटा सोएगा, फिर उसके बाद उठ जाएगा, शायद तब तक लड्डू के पापा भी आ जाएं, और दिन तो आ जाते हैं वो 1 बजे, लेकिन आज पता नहीं, आज लेट भी हो सकते हैं, ऐसा ही होता है संडे का, मतलब इंतज़ार करते रहो। और देख सकते हो मेरा हाथ भी जल गया, अभी तो ठीक हो गया, पूरा ही जल गया था, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो पूरा ऐसे करके ना, ऐसे करके पीछे कुछ गिर गया था, यानी कि मैं उसको निकाल दी थी, छन्नी गिरी हुई थी इधर, ऐसे निकाल दी थी तो कढ़ाई में ऐसे करके चिपक गया पूरा ही। तो अभी तो ठीक होने लग गया है, नहीं तो ये पूरा काला हो गया था। और फिर लड्डू ना इसको नोच रहा है, तो उसमें मुझे फिर ज़्यादा दर्द हो रहा था, और पानी के छींटे या बर्तन धोने में वो विम बार वगैरह या सर्फ का पानी जाके बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो जल्दीबाजी में काम करते हैं ना तो ऐसा ही होता है। पता है परसों मैंने उसके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो लौकी की सब्ज़ी तो उसने अच्छे से खा ली, फिर मैंने लौकी मूंग वगैरह मिक्स करके दाल टाइप की बनाई,
तो उसने कल बिल्कुल भी नहीं चखा यार, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, पहले उसको बनाया, फिर मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर मतलब कि जब खिलाने लगी, एक चम्मच खाया, एक चम्मच से ज़्यादा, मतलब मेरे को लगा एक घंटा। तो बच्चों का यही है यार, कोई चीज़ पसंद करते हैं, हाँ लेकिन सूजी पसंद करता है वो, जैसे कि मैं शाम को देती हूँ मीठा करने के लिए, उसमें मैं सेब की थोड़े आधा सेब मिला देती हूँ उसकी प्योरी, तो सेब मीठा होता है तो उससे उसमें मिठास आ जाती है, तो सेब तो वो अच्छे से खाता है। जब मैंने उसको बॉयल करके प्योरी खिलाई थी तो उसने उतना अच्छे से पसंद नहीं किया था, क्योंकि ना उसके सारे मिनरल्स वगैरह भी निकल जाते हैं। तो मैं आजकल उसको कद्दूकस करती हूँ, मतलब कि अदरक, मैंने बताया था अदरक उसमें कद्दूकस करते हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाता है जो कि उसके गले भी नहीं लगेगा और वो पसंद भी करता है। यानी कि मैं अगर उसको पूरा एप्पल भी खिला लूँ तो वो खा लेगा, अगर मैं वैसे बनाऊँ तो। वैसे तो बिल्कुल दो चम्मच से ज़्यादा नहीं खाता है, बनाई थी मैंने और ये उड़ गया इतनी जल्दी। ये इसका यही चलता रहता है आजकल, दिन भर यही चलता रहता है इसका। तो उड़ गए हमारे महाराज जी, कुछ काम नहीं करते, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोते हैं। हाँ बेटा, मम्मा को परेशान कर दिया है। अब खेलो ठीक है। मम्मा आपके लिए क्या बनाए बताओ, क्या बनाए मम्मा आपके लिए, क्या बनाए? सो गाइज, 2 बज गए हैं तो अभी मेरा खाना वाना बन रहा है, बस सब बन गया। अभी चावल बनाने के लिए रख दिया है, लड्डू को थोड़ा बनाना खिला दिया है अभी, और उसके लिए मैंने खिचड़ी टाइप की बना रखी है, अभी तो खाएगा नहीं, अभी वो अब उसके सोने का टाइम हो गया, 2 बजे तो वो सो ही जाता है, लेकिन लड्डू के पापा अभी तक नहीं आए। फ़ोन किया था तो बोल रहे थे आ रहा हूँ करके, तो मौसम भी अलग अलग रंग बदल रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आ रहे हैं, तो यही चल रहा है अभी। तो ये ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अभी लड्डू ने इसमें बनाना खाया था, अभी मैं इसको क्लीन कर दूंगी। ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि जो भी ये है ना, इसके केले के रेसे हैं सब इसमें रह गए, और जूस जूस उसने पी लिया या खा लिया जो भी है बच्चे के लिए, तो अभी मैं इसको क्लीन कर लूंगी अच्छे से। तो लड्डू के लिए खिचड़ी बना के रेडी करिए, अभी इसको अच्छे से मैश कर लूंगी मैं। तो फाइनली कितने बजे, 2 बजे लड्डू के पापा पहुंच गए घर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आजकल इनका गजनी हेयर स्टाइल। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो कि ये कैसे लग रहे हैं करके, यार मत कर। नहीं तो फाइनली मेरा पिया घर आया। ओ राम जी, खाया कुछ? ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था आज, कुछ नहीं किया होगा तुम, मेरे हाथ के तो खाए नहीं जाते तुमसे। कुछ नहीं खाया, खाओ मेरे सर की कसम, इतनी देर तक भूखे हो, फोन कर रही थी आएगी नहीं। अरे टाइम कहाँ मिला यार। तो गाइस मुझे पता था कि ये भूखे रहने वाले करके, तो मैंने लंच वगैरह, वैसे भी 2 बज गया अभी तक तो बन ही जाना था, मैंने बना ही दिया था, लड्डू भी सो गया बेचारा। क्या है, दही दूध मिला है? सो गाइज, अभी मैं इनके लिए जूस बना देती हूँ, जो कि ये लेके आए हैं 10 लीटर घर से, यानी कि हमारे घर में जो मैंने आपको मौसम में दिखा रखे थे उनका जूस वहाँ पापा ने बना लिया था, तो 10 लीटर वहाँ से लेके आए हैं, तो ये रोज वही पीते हैं वहाँ से आने के बाद। तो इनके लिए जूस बना दिया, ये जूस इतना। सो गाइज, मौसम भी बिल्कुल बादल वादल लग गए, मैंने सोचा था कि शाम को तो थोड़ा इधर उधर वॉक पे ले जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी भी ड्यूटी जा रहे हैं, सो देखते हैं शाम के 6 बजे तक कुछ हो पाता है या नहीं। अब बाकी आपको अपडेट मिल जाएगा अगर घूमने जाएंगे तो हम लोग। सो गाइज, आज लाइट गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, दिन में से लाइट चले गई थी और अभी तक नहीं आई। अब हल्की हल्की उमस वाली गर्मी भी हो रही है, फैन भी नहीं चल पा रहा है, और 6 भी बज गया। लड्डू के पापा ने बोला था 6 बजे तक तो आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आए, मैं भी वेट कर रही हूँ, अगर टाइम से आते हैं तो। लड्डू भी उठा हुआ है तो बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा हो गया, यहाँ ऐसा ही हालत होती है, लाइट वैसे जाती नहीं, अगर गई तो ना फिर आती नहीं। तो गाइज फाइनली लाइट आ गई है 7 बजे, तो लड्डू के पापा 5 बजे चले गए थे, फिर से 2:30 बजे आए थे, 5 बजे फिर से चले गए, बोले थे 6 बजे तक आ जाऊँगा, अभी 7 बजे मैंने कॉल किया तो बोल रहे हैं 7:30 बजे तक आऊँगा। तो ऐसा ही चलता है यार, जिस चीज़ का हम वेट करते हैं ना, मतलब संडे आएगा, 2 हफ्ते से मैं सोच रही हूँ कि संडे आएगा, लेकिन पता नहीं, यहाँ इस वाली यूनिट में इतनी प्रॉब्लम है, मतलब हर यूनिट में अपने, मतलब जो फैमिली मेम्बर होते हैं तो टाइम वगैरह मिल जाता है, लेकिन इस यूनिट में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और किसी किसी को मिल जाता है, लेकिन फिर बुरा लगता है ना यार, हम लोग इतना वेट करते हैं संडे का, और उस दिन भी मतलब कि यहाँ के ऐसा फील होता है कि हम अकेले रह रहे हैं, मतलब कि
अभी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पूरी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब एक हफ्ते से वेट करो, फिर संडे आता है। मतलब सुबह सुबह चलो मैंने कहा चलो ड्यूटी चले गए, फिर उसके बाद मैंने सोचा शाम को नहीं जाएंगे, फिर शाम को भी चले गए। तो ऐसा ही चल रहा है यार इधर कसम से। क्या बोलूँ मैं, मेरा ना मूड ही ख़राब हो गया अभी तो। हमें लड्डू के लिए भी फ्रूट्स वगैरह लेके आने हैं जाके, हमने बेटे के लिए। रेडी हो जाए मम्मा, मम्मा रेडी हो जाए जल्दी से, पापा के साथ घूमू घूमू जाएंगे। तो यही है, बच्चे के लिए स्टॉकर लिया, दोनों जनी साथ में जाएंगे, वॉक करेंगे, घुमाएंगे। लेकिन जब से आए हैं ना, ज्वाइन कर रखा है, तो उनको बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ही फुर्सत नहीं हो रही है यार कसम से। मतलब कि ना बच्चा भी नहीं घूम पाता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं तो इसी के पीछे दिन भर लगे रहती हूँ, मेरे को इतना टाइम होता नहीं है कि घुमा लूँ। तो जब ये आएंगे तो सोचती हूँ साथ में ही जाएंगे। तो आज तो मैं वैसे नीचे बैठने के लिए चले जाती हूँ, तो आज संडे है तो सब लोग घूमने के लिए गए हैं। तो जब सब लोग चले जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हम लोग अंदर ही अंदर, मैं बस देख रही हूँ उनको, कोई जा रहा है, रेडी हो, रेडी हो रहे। यहाँ तो रेडी होने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, एक दिन तो मिलता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। सो गाइज, मैं रेडी होके कब से वेट कर रही थी। मतलब कि मैंने कपड़े वपड़े सब पहन लिए थे, अभी तो मैंने चेंज कर लिया है। तो इन्होंने बोला कि आधे घंटे में आऊँगा, 6:30 बजे मैंने फ़ोन किया, तो आधे घंटे में आऊँगा। इन्होंने कहा रेडी हो जा, मैंने कहा चलो ठीक है रेडी हो जा। फिर मैंने 7 बजे कॉल किया, मतलब फिर मैंने कॉल नहीं किया, फिर मैंने कहा 1 घंटे बाद, क्योंकि बिजी हो गए थे ये लगभग। मैंने फिर 7:45 बजे कॉल किया, तो इन्होंने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ करके, फिर भी नहीं आए। फिर अभी कोई नहीं, क्या कर सकते हैं यार, ये भी क्या कर सकते हैं, इनकी भी ड्यूटी है। तो अभी हम लोग ऐसे ही बाहर वॉक पे जा रहे हैं। मतलब कि आज का दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा उदास उदास टाइप का निकल गया, लेकिन इसमें किसी की भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। बस बुरा लग जाता है कभी कभी ना, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है संडे की, और संडे ऐसे ही निकल जाता है। तो गाइस, इनको बब्बा बब्बा कर रहा है वो, और ये इतना खुश हो रहे हैं यहाँ पे। पापा 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 बोलता है वो नहीं बोलता है पहले। पापा, उसको अरे पैजामा पहनाओ। पैजामा दे फिर, कौन सा, कुछ पोटी कर दी, कर बुलबुल आ रही। कहीं नहीं आ रही है बदबू बदबू। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, लड्डू को स्टॉकर में घुमाने। अभी यूज भी नहीं हुआ है ज्यादा, एक बार यानी कि पहली बार समझ देख सकते हो लड्डू की खुशी स्टॉकर में घूमने की। बाबू मेरे वो निकाल दो चप्पल, ये नहीं, छी यार, ऐसे सड़े चप्पल जो कि जिसमें क्रैक आ रखे। आहा बेटा, टोपी आज ही धोई थी, लिपस्टिक लगा दी पूरी टोपी में। मैं तो वैसे इतना रेडी भी नहीं होती, सिर्फ इतने मोटे। चलो यही निकाल दो। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे, यहाँ जो है, तो चलते हैं अभी हम लोग बेटा। खाला हिट मारने गए पापा, खाला हिट मारने गए ना। तो हमने डोर पे ये लगा रखा है, जो कि हम लेके आए थे काल भैरव, जब उज्जैन गए थे वहां से लगा लेके आए थे। तो वहां जब पूजा वूजा कर ली थी, तो उन्होंने लगा बोला था कि हमने डोर के बाहर लगा देना, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। लड्डू के पापा भी इस पे कर रहे हैं काला हिट, क्योंकि मच्छर बहुत हो रखे हैं घर के अंदर। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि तो आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, कल तो इस टाइम पे बारिश हो गई थी। चलो चलो चलो। कैसा लग रहा है बेटा? तो गाइस, अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लड्डू बस लाइटों को ही देख रहा है कि एक सीध में क्या है करके, लाइटों को देख के खुश हो रहा है। मैं बता दूं, जब से मैं यहाँ आई हूँ, आज का संडे सबसे बुरा है। यानी कि ऐसा तो होता था कि शाम को जब आते थे फिर नहीं जाते थे, लेकिन आज शाम को जाने के बावजूद इतनी लेट आए हैं। तो आज का संडे मेरी जीवन का सबसे बुरा संडे। सो गाइस, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स पहुंच गए, यहाँ के नया कॉम्प्लेक्स नया बन गया अभी। ये भी रेस्टोरेंट खुलने वाला है ना यहाँ पे, वही रेस्टोरेंट आगे तक बड़ा हो जाएगा, आगे बैठने के लिए हो जाएगा। हाँ,
सो गाइज, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।